चलो तो फिर से हम लोग आ चुके हैं और सेशन में। ठीक है, शुरू किया जाए फिर से। हम लोग और सेशन में आ चुके हैं। बस शेयर कर दो, फैला दो एक बार। शुरू किया जाए, सब लोग जुड़ जाए, सब जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। शुरू किया जाए। गुड इवनिंग सभी को फिर से। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। हाँ शुरू करते हैं। चलो सही है, तो फिर हम लोग जो है एक आ चुके हैं एक और सेशन में। पिछली बार कुछ प्रॉब्लम आने के कारण बीच में लाइव रुक गया था, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग फिर से जो है शुरू करेंगे क्वेश्चन अपना करना। तो पता है ध्यान से पढ़ना है, लैपटॉप लेके जाना है इसका यहाँ से। देखो तो इसमें हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए थे ये कि द्विगुणित कौन होता है। द्विगुणित होता है कौन होता है, जल्दी बोलो, युग्मनज होता है। कौन होता है, जायगोड होता है, युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी है। ऑन्कोजीन किसके लिए होता है, कैंसर के लिए, ठीक है ना, कर लिए थे पहले। फिर है इनमें से कौन पौधा जट है, मतलब कौन पानी में होता है। तो पानी में कौन होता है, सिंघाड़ा होता है, मतलब ड्रापा होता है। नेक्स्ट है शरीर के बाहर होने वाले क्या कहते हैं, कि अंदर होते इन जीवो कहते हैं, शरीर के बाहर होता है तो इन विट्रो कहते हैं। तो कहते हैं इन विट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। देख चुके थे। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं वृषण में। कहाँ पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती हैं, वृषण में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन। क्या प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन। और कौन दिया था ओपेरॉन मॉडल, जैकब एवं मोनाद ने दिया था। कौन दिया था, जैकब एवं मोनाद। नेक्स्ट है निम्न में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी कौन जंतु नहीं है, उभयलिंगी कौन, इसमें दोनों नर मादा दोनों पाए जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको, और इसमें केवल एक पाया जाएगा उसको बोल देंगे एक लिंगी। इसमें से कौन जो है उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी कौन नहीं है, हाउस फ्लाई नहीं है, बाकी सब उभयलिंगी है। नेक्स्ट है कौन नाइट्रोजन बेस की डीएनए में नहीं होता है, डीएनए में कौन नहीं होता है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, डीएनए में कौन नहीं होता है, यूरासिल नहीं होता। वॉइस नहीं जा रहा है, वॉइस आवाज सुनाई दे रही है सबको, आवाज सुनाई दे रही है सबको, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, क्या आवाज क्लियर है। हाँ चलो ठीक है, आवाज क्लियर है। तो कौन नहीं होता है, यूरासिल नहीं होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कि रेड बुक में कौन सम्मिलित है, तो रेड बुक में जो है सभी सम्मिलित हैं, चाहे वो विलुप्त हो रहे पौधे हैं, आपत्तिग्रस्त पौधे हैं, दुर्लभ पौधे हैं, वो सब रेड लिस्ट में आते हैं। पुष्पासन किसका खाया जाता है, देखो पुष्पासन जिसे खाया जाता है उसको बोलते हैं आभासी फल। तो किसका पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है किसको,
किसका खाया जाता है? सेब का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है बोलते हैं आभासी फल। डीएनए में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए किसमें है? बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं? वैसे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी कहते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? देखो, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो आय में कमी होती है, जमीन की कमी होती है, खनिज पदार्थ की कमी होती है, और इनमें से सभी। तो क्या होता है? इनमें से सभी हो जाता है जनसंख्या वृद्धि होने से। ठीक है ना? तो अभी हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, हमसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मैथ पढ़ चुके हैं, इंग्लिश पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? और इसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे जब एग्जाम दे लोगे तब, कि और आगे क्या करना है तब। देखो, एक्रोसोम जो है इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम किसका भाग होता है बताओ? एक्रोसोम जो है किसका भाग होता है? एक्रोसोम एक विच वन इज अ बैक, अरे एक सेकेंड, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है ना। क्वेश्चन इसमें क्या है? क्वेश्चन है एक्रोसोम इज पार्ट ऑफ, एक्रोसोम इज पार्ट ऑफ, एक्रोसोम किसका भाग होता है? मानव शुक्राणु के सिर का, हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग कौन है इसमें से? तो जीवाणु जनित रोग कौन है इसमें से? कुष्ठ रोग है कि क्षय रोग है कि हैजा है कि इनमें सभी? कौन हो जाएगा? इनमें सभी, सभी सभी जो है जीवाणु से होने वाले रोग है। नेक्स्ट सवाल क्या है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है, क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन मेल कितना होता है? 44+XY। मेल का बात कर रहा है ना, फीमेल का बात नहीं कर रहा है। फीमेल ने पूछा तो 44+XX होता। सब समझ में आ रहा है? सब आसान आसान क्वेश्चन है, सब तुम कट कर ले जाओगे, खींच ले जाओगे सब क्वेश्चन, कौन जगह इसमें अलगी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी बोलो? अनून मिल्य परागनी पुष्प, मतलब क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर का बात कर रहा है। देखो, दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक क्लेस्ट्रोगेमस होता है, कैस्मोगेमस होता है। अगर फ्लावर में जो है वर्तिका अगर खुला हुआ है तो उसको बोलते हैं अनून मिल्य परागनी पुष्प, और अगर ढका हुआ है उसको बोलते हैं ऊन मिल्य। इसमें कौन होता है? इसमें निश्चित रूप से कौन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कौन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा होता है? एक दिशीय होता है, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रक्त सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है? सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर इसमें से कौन है? ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? ए बी। ए बी कैसा होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ कैसा होता है? यूनिवर्सल डोनर। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? देखो, एक संकर क्रॉस का बात कर रहा है, एक संकर क्रॉस का होता है तो कौन होगा इसमें जल्दी बोलो? कौन होगा जल्दी बोलो? कौन होगा जल्दी बोलो? इसमें से कौन हो जाएगा? एक संकर क्रॉस का बोल रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। क्या होता है? 3:1। क्या होता है? 3:1। ए क्यों बोल रही है अनन्या? ए नहीं होगा ना। अगर जीनोटाइपिक पूछा होता तो ए होता, फिनोटाइपिक पूछा है तो बी होगा। नेक्स्ट है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किसमें है बताओ? राइनो सेंचुरी किसमें है? सबको पता है असम में है। कहाँ पर है? असम में है। असम से फास्ट निकालते हैं इसको, आसान क्वेश्चन सब तुम पहले से किए हो। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? अगर डीएनए से एमआरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डब्ल्यूएचओ द्वारा ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन जो होता है, नॉइज पॉल्यूशन, उसके लिए कौन सा है इसमें से? कितना है? 20-30 डेसिबल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट कौन है क्वेश्चन? मलेरिया रोग उत्पन्न किससे होता है? पहली बात तो मलेरिया होता है किससे? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। किससे होता है जल्दी बोलो? प्लाज्मोडियम से होता है। अब प्लाज्मोडियम को शरीर में कौन लेके आता है? कौन लेके आता है? मादा क्यूलक्स। कौन लेके आता है? मादा क्यूलक्स। कहां गया? सॉरी, मादा एनोफिलस। कौन लेके आता है? मादा एनोफिलस। कौन लेके आता है? मादा एनोफिलस। मादा एडिस लेके आती है, डेंगू वाला, ठीक है। मादा इन्फ्लुएंस लेके आती है मलेरिया वाला, और मादा क्यूलक्स लेके आती है हाथी पांव एलिफेंटियासिस वाला। किस गैर फली पौधों के जड़ में जैविक खाद मौजूद है? जैव फली के कौन हो जाएगा इसमें से? फ्रैंकिया। कौन हो जाएगा इसमें से? फ्रैंकिया। गैर फली बोल रहा है तो इसमें कौन हो जाएगा? फ्रैंकिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस। किसका होता है? लैक्टोबैसिलस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? अर्जित गुणों का वंशागति होता है, सिद्धांत कौन दिया था? यह सिद्धांत कौन दिया था? लमार्क ने दिया था। कौन दिया था? लमार्क ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है ना, तो बढ़िया से पढ़ाई करना है और लैपटॉप लेना है। नेक्स्ट,
भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका है। सेंट्रल कोशिका कैसी है? सेंट्रल कोशिका कैसी, जल्दी बोलो, सेंट्रल कोशिका कैसी है? भ्रूण कोष सेंट्रल कोशिका कैसी है? प्रारंभिक केंद्रक है, द्वितीय केंद्रक है, सहायक कोशिका है, कैसा है? द्वितीय केंद्रक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। कौन होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? बीज चोल खाया जाता है, किसका बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है किसका, जल्दी बोलो, बीज चोल खाया जाता है किसका? बीज चोल एरिल, एरिल किसे खाया जाता है? एरिल किसे खाया जाता है? एरिल किसे खाया जाता है? आंसर है शरीफा का। किसे खाया जाता है? एनोना। बीज चोल खाया जाता है किसे, किसका? एरिल मतलब खाया जाता है शरीफा का। और किसे खाया जाता है? और खाया जाता है ये और खाया जाता है किसका? लीची का। और खाया जाता है किसका? जायफल का। तो ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उभयलिंगी प्राणी है, इसमें से उभयलिंगी कौन है? विच इज हर्माफ्रोडाइट, कौन हो जाएगा? केंचुआ। अर्थवर्म कौन हो जाएगा? केंचुआ हो जाएगा। केंचुआ माने अर्थवर्म। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? कौन से कौन इसमें जो होता है? डिप्लोइड होता है। कौन होता है? युग्मनज। जायगोट। जायगोट कैसा होता है? डिप्लोइड होता है। जायगोट कैसा होता है? डिप्लोइड होता है। मानवधीर वर्ग ओ में, ओ में कौन होता है? ओ में देखो, ओ का बात कर रहा है तो ओ में कौन होता है? ओ में एंटीजन होता है कि एंटीबॉडी होता है? जवाब है कि एंटीजन नहीं होता है। कौन होता है? एंटीबॉडी होता है। तो क्या होगा इसमें? एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। देखो ओ में ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे होता है? एंटीजन से होता है। अगर ए एंटीजन है तो बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप, दोनों है तो बोलते हैं ए बी, कोई नहीं तो बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। बोल रहा है ओ ब्लड ग्रुप, तो कौन नहीं होगा इसमें से? एंटीजन नहीं होगा। कौन नहीं होगा? एंटीजन नहीं होगा। नेक्स्ट कौन है? क्लोरेला निम्न से क्या है? सबको पता है, सबको पता है कोलेला क्या होता है? सवाल होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है क्राइजिन बॉल के से किस फसल बचाता है? क्राइजिन बचाता है किसको? कॉटन को। किस बचाता है? कपास को बचाता है, कॉटन को बचाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अम्लीय वर्षा के कारक कौन है? अम्लीय वर्षा एसिड रेन किससे होता है? जल्दी बोलो, NO2 और SO2 से होता है। NO2 से कौन सा अम्ल बनता है? HNO3। और इससे कौन बनता है? H2SO4। ये दोनों बनते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन, देखो नेक्स्ट सवाल है लाइकेन किसका सूचक है? लाइकेन किसका सूचक है? प्रजनियों को पता है SO2 पॉल्यूशन का सूचक है लाइकेन। लाइकेन क्या है? सहजीवी संबंध है। किसी किसी भी सहजीवी संबंध होता है? सवाल प्लस कवक का। सवाल प्लस कवक का सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव साधारणतः कितनी ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है? 20-30 सबको पता है, दुनिया में सबको पता है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन जल परागण होता है? देखो सभी जलीय पौधों में जल परागण नहीं होता है, सभी जलीय पौधों में जल परागण नहीं होता है, सभी जलीय पौधों में जल परागण नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो जलकुंभी हो गया, कमल हो गया, इन दोनों में भले दोनों जलीय पौधे हैं लेकिन जल परागण नहीं होता है। किसमें होता है? हाइड्रिला में होता है। सबको पता है, सबको मालूम था ये। ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? बच्चे का मंद बुद्धि हो जाने कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? पता है डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनमें से क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए प्रोफाइलिंग। क्या है? डीएनए प्रोफाइलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन डीएनए अणु में प्यूरीन है? देखो प्यूरीन में कौन कौन आता है? सबको पता है कि प्यूरीन में आता है एडिनिन एंड गुआनिन। तो कौन हो जाएगा? एडिनिन तथा गुआनिन, ए एंड जी। कौन हो जाएगा? ए एंड जी। सबको पता है, देखो बढ़िया से पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ के क्या करना है? लैपटॉप लेना है और साथ में बैच आएगा, बैच पढ़ना है और फिर कॉलेज लेना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? किसको नष्ट करता है? सबको पता है, को पता है T4 कोशिका को नष्ट करता है। पूछ दे कि एड्स बीमारी में जो एचआईवी है वो किस पर जाकर रह जाता है, किसको अपना आवास बनाता है? तो किसको बनाता है? महाभक्षकाणु को। किसको बनाता है? महाभक्षकाणु को। लेकिन यहाँ वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि एड्स बीमारी में एचआईवी जो है किस कोशिका को नष्ट करता है? तो कौन हो जाएगा? T4 कोशिका। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? दुनिया को पता है सिंह के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? सिंह के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस में कौन सा बंधन रहता है? देखो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है, जो तुमको पता है ना, एडेनिन गुआनिन में कितना होता है? 3। साइटोसिन, सॉरी, एडेनिन थायमिन में कितना होता है? 2। गुआनिन साइटोसिन में कितना होता है? 3। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में 2 होता है, जी और सी में कितना होता है? 3 होता है, 3। तो कौन होगा इसमें से? हाइड्रोजन बंद। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, देखो
कैंसर किस कारण से होता है? पूरी दुनिया को पता है कैंसर होता है किससे? ऑन्कोजिन से। जहां भी ऑन्को शब्द है मतलब कि कैंसर का बात किया जा रहा है, तो किससे होता है? ऑन्कोजिन से होता है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? कल्याण सोना बताया थे हम, जहां भी सोना आता है कौन आता है? सोना, सोना, तो सोना किसके लिए आता है? गेहूं के लिए। किसके लिए आता है? गेहूं के लिए। कहीं भी अगर मिसाइल वाला नाम दिख रहा है ताइचुंग IR-8 इस तरह का मिसाइल वाला नाम, समझा कि धान का किसी में है ना, तो कहीं भी अगर सोना लगा मिल जाए कल्याण सोना, सरबती सोनेरा, सोनेरा 64, कहीं भी अगर सोना वाला शब्द दिख रहा है तो वो किसके लिए होता है? गेहूं के लिए होता है। और जो मिसाइल वाला नाम होता है ताइचुंग IR-8 IR-15 ये सब किसके लिए होता है? धान के लिए होता है। तो क्या पूछ रहा है? कल्याण सोना, सोना है मतलब कौन सी होगा? ये गेहूं होगा। कौन होगा? गेहूं होगा। नेक्स्ट सवाल कौन, देखो नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कौन एकल कोष का प्रोटीन है? सबको पता है, पूरा दुनिया को पता है, इसमें से सब Which of the following is single cell protein? So all of these are single cell protein. Next क्या पूछ रहा है? कृत्रिम बीज निर्माण किससे किया जाता है? कृत्रिम बीज का निर्माण सोमैटिक इम्ब्रियो से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कौन क्या है? देखो डीएनए में एक पूर्ण घुमा में नाइट्रोजन बेस कितने पेयर्स होते हैं? पूरी दुनिया को पता है नाइट्रोजन का जो डीएनए का जो एक पूरा घुमाव होता है इसमें कितना बेस पेयर होता है? 10। कितना होता है? 10 बेस पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू विषाणु से होता है कि नहीं होता है? होता है। एड्स HIV वायरस से होता है। पोलियो पोलियो वायरस, इनमें से सभी विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? डोडो क्या है? डोडो डोडो एक जंतु था जो कि विलुप्त हो गया, तो ये क्या है? विलुप्त प्राणी है। क्या है? विलुप्त प्राणी है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? विषाणु में कौन पाया जाता है? जीवाणु में कौन पाया जाता है? जीवाणु में प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए पाया जाता है, मतलब कि दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? एक संकर क्रॉस, सॉरी दुई संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? देखो डाइहाइड्रोजन फिनोटाइपिक से पूछा है कौन होगा, सबको पता है 9:3:1 होता है। अगर एक संकर का पूछा होता जीनोटाइपिक तो होता 1:2:1, अगर पूछा होता एक संकर का फिनोटाइपिक तब होता 3:1। यहाँ बोल रहा है द्विसंकर का फिनोटाइपिक कौन होता है? 9:3:1। पूरे दुनिया को ये बात पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या कराया जाता है? अलैंगिक जनन। क्या कराया जाता है? अलैंगिक जनन। जब अलैंगिक जनन होगा जो बच्चा पैदा होगा कैसा होगा? अनुवांशिक गुण उसका समान होगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु प्रयोग, सबको पता है कौन होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस से बनता है। नेक्स्ट खत्म हो गया, फिर एक नया स्लाइड आएगा, इसमें और क्वेश्चन करने वाले होंगे, तब तक के लिए 2 मिनट वेट करना है, नया स्लाइड इसमें आने वाला है, लाया जाए। फास्ट फास्ट हो गया सब, समझ में आया? जो है ऑब्जेक्टिव तुमको कम से कम कितना भी खराब क्वेश्चन आ जाए तब वो तुम्हारा 65-60 से कम ऑब्जेक्टिव वीडियो वाले से नहीं होगा, जो वीडियो में नहीं पढ़ाया गया होगा। इसलिए इसको जो है बढ़िया से अभी जो वीडियो चल रहा है वो, और अगर तुमको ज्यादा करने का इच्छा है, ज्यादा अगर मतलब लग रहा है और पढ़ना चाहिए तो जाओ, तो एक वीडियो होगा इसी चैनल पे 3 घंटा का 3.5 घंटा का, उसको पूरा देख लो, यूट्यूब का 1.5 घंटा टाइम लगेगा और उसके बाद तुम्हारा जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ाई करते रहना है, कल एग्जाम है तुम्हारा।
हेलो, किसका आंसर गलत हो गया जी? कौन सा आंसर गलत हो गया? कौन सा आंसर गलत हो गया बताओ थोड़ा सा। हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन आंसर गलत हो गया? खुल गया, खुल रहा। बस कुछ सेकंड्स और। क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो इसी चैनल पे है ना? क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो इसी चैनल पे है ना? चलो खुल गया। चलो सब्जेक्टिव देखते हैं, देखो अगर टाइम बचता है तो सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में देखो अभी तो है कि पूरा तो हो नहीं पाएगा, ये कर सकते हैं तुमको जो जो टॉपिक में ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो तुम लिख देना कमेंट में, अभी हम उसको पढ़ लेंगे और उसको हम करवा देंगे, है ना। बाकी तुमको भी पता है कि जो जो टॉपिक का टेस्ट हुआ है, तुम अगर वो टेस्ट पेपर बढ़िया से बनाए होगे तो वहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम्हारा जो टेस्ट हुआ है अगर तुम उसको क्वेश्चन पेपर रखे होगे तो तुम आकर एग्जाम देके जब आंसर मिलाना उसको, तुम्हारा 100% क्वेश्चन उसी में टेस्ट, 5 टेस्ट में से आया हुआ होगा। ठीक है ना, इसलिए जो टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है वहीं वीवीआई क्वेश्चन है, उसको बढ़िया से जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करना है। और क्या लेना है? लैपटॉप लेना है ना। चलो अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और कुछ देर बाद हम लोग कल एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग कुछ इंपोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि तुमको आगे क्या करना चाहिए फ्यूचर में। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु स्राव चक्र, सब आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है, बोलते हैं ना एवरग्रीन क्वेश्चन, सदाबहार, कभी इसका समय खत्म नहीं होता है। 2009 में भी आता था, जो 21 में भी आता है, जो 22 में भी आएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन होता है जो कभी कभी पूछ देता है, ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा पूछता ही है, चांस रहता है हमेशा इसको क्वेश्चन आने का। आसान सा क्वेश्चन है, कौन होगा बता दो इसमें से? फर्स्ट का कौन होगा? फर्स्ट का कौन होगा? 90% क्वेश्चन बैंक से आएगा, 90%। चलो फर्स्ट का कौन होगा? दूसरा चक्र किसमें, सबको पता है किसमें होता है? प्राइमेट जंतुओं में होता है। प्राइमेट में कौन आता है? मनुष्य भी आता है, बंदर भी, चिंपैंजी भी, सब आता है। तो कौन हो जाएगा इनमें से? सभी इज करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा इनमें से? सभी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? सबको पता है द्विखंडन मतलब क्या होता है, पहले पता है ना? द्विखंडन मतलब होता है कि एक जीव में हो गया विखंडन और दो कोशिकाएं बन गई, उसी को बोलते हैं द्विखंडन। किसमें पाया जाता है? अमीबा में, प्राइमेट में, दोनों में पाया जाता है। कौन हो जाएगा? ए एंड बी बोथ। थोड़ा फास्ट करते हैं, फास्ट किया जाए, थोड़ा सा फास्ट किया जाए, थोड़ा सा फास्ट किया जाए। सी होगा। कौन होगा इसमें से? सी होगा। चलो चलो थोड़ा सा फास्ट किया जाएगा और इसको फास्ट तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन कितना परसेंट होगा? कौन सा रूल है ये? कौन सा रूल? चलो यहाँ बता देते हैं, जरूरी है बताना ये। यहाँ पर कौन सा रूल है? चरगाफ का नियम है। कौन सा नियम है? चरगाफ का नियम है। कौन सा नियम है? चरगाफ का नियम। चरगाफ का नियम क्या कहता है? जितना एडेनिन उतना परसेंट, कितनी बार बता चुके हैं, है ना, तुमको तो सभी याद भी हो चुका होगा। इसमें क्या दिया है? देखो एडेनिन साइटोसिन दिया है, साइटोसिन दिया है कितना? 18%। तो गुआनिन भी कितना हो जाएगा? 18%। 18 कितना होता है? 36। 64। एडेनिन कितना हो जाएगा? 32%। और गुआनिन भी कितना हो जाएगा? 32, सॉरी थायमिन कितना हो जाएगा? 32%। कौन पूछ रहा है? एडेनिन पूछ रहा है कितना हो जाएगा? 32%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सब लोग को बन गया था, सब लोग को बन गया था। हाँ सब लोग डी 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 लिख रहा है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विराल परीक्षण, पूरे दुनिया को ये बात पता लग गया है अब। विराल परीक्षण किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए, है ना, सबको पता है टाइफाइड के लिए होता है विराल टेस्ट। एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका पर हमला करता है? अभी जस्ट देखे थे, अभी जस्ट देखे थे, किस पर करता है? टी हेल्पर कोशिका। किस पर करता है? टी सहायक कोशिका पर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिक्षण क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। शरीर में हमारे जो भी चीज घुस जाता है इसको मारने के लिए शरीर प्रतिक्रिया करता है, उसको एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको एंटीजन कहा जाता है। और जो शरीर में बनता है उसको मारने के लिए जो सेना तैयार होता है ना, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं उसी को? एंटीबॉडी बोलते हैं।
एलर्जी जब होता है शरीर में कौन सा रसायन निकलता है, तो ऑप्शन है दोनों निकलता है, हिस्टामिन भी निकलता है और सेरोटोनिन भी, और इसी से एलर्जी का लक्षण आता है, आंख से पानी आना, शरीर पर लाल निशान हो जाना, नाक से पानी आना, ठीक है, छींक आना, बुखार आना, ये सब एलर्जी का लक्षण होता है। और इस किसके कारण होता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन के कारण होता है। कौन सा नर युग्मक भ्रूणपोष बनाता है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोषण नहीं भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष कौन बनाता है, द्वितीयक कहां गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है एक जीन दूसरे जीन में दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रभाविता, देखो एक दूसरे को दबा देता है, दबा देना क्या कहलाता है, प्रभाविता, कौन हो गया, डोमिनेंस, कौन हो गया, डोमिनेंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले तीन छात्रों के क्रम जो संदेश वाहक आरएनए, देखो जहां भी ट्रांसफर आरएनए आया याद रखना कि ट्रांसफर आरएनए में कौन होता है, एंटीकोडोन, कौन होता है, एंटीकोडोन होता है, कौन होता है, एंटीकोडोन होता है। नेक्स्ट देखते हैं उसेरिया ब्राउन क्रॉफ्टी जो आदमी फाइलेरिया उत्पन्न करता है समूह किसमें आता है, हेलमिंथ में आता है, किसमें आता है, हेलमिंथ, हेलमिंथ क्या, हेलमिंथ है गोल क्रीमी, क्या है, गोल क्रीमी, गोल क्रीमी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अधिक अल्कोहल लेने से पूरे दुनिया को बात पता है लीवर, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है लीवर होता है। नेक्स्ट सवाल, मेंडल के नियम के अपवाद कौन है, मेंडल के नियम का अपवाद कौन है, मेंडल के नियम का अपवाद, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन होगा इसमें, मेंडल के नियम का एक्सेप्शन, व्हिच इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, कौन है, लिंकेज, लिंकेज के बारे में कौन बताया था, मोर्गन, लिंकेज मेंडल के किस नियम का अपवाद है, तो आंसर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम का अपवाद है संलग्नता, क्योंकि वो नियम क्या कहता है कि जहां भी दो जीन जाएंगे एक जिस पर निर्भर नहीं करेंगे, लेकिन संलग्नता में क्या होता है, दोनों जीन संगे संगे जाते हैं, मतलब दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कौन यौन संचारित रोग है, विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी कौन है पूछ रहा है, एसटीडी कौन है, सबको पता है सिफिलिस, कौन है, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल हर्प, जेनिटल वार्ट्स, एड्स, ये सब क्या है, एसटीडी है, यौन संचारित रोग है। एकिडना क्या है, दुनिया पता है एकिडना जो है योजक कड़ी है, योजक कड़ी कौन होता है, इसमें दो अलग अलग जीवों के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं योजक कड़ी। एकिडना, आर्कियोपटेरिक्स, पेरिपेटस, प्रोटोपटेरस, ये सब जो है योजक कड़ी होते हैं, कनेक्टिव लिंक होते हैं। डोडो क्या है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी हम जो क्वेश्चन 2017 का था, अभी जो कर रहे हैं 2021 का, तो यहाँ पर क्या है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 80% 90% तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बैंक से आता है, इतना तुमको अपने समझ में आ जाना चाहिए था, इतना एग्जाम दे दिया बायोकेमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो बुझा गया होगा कि 90% क्वेश्चन बैंक आता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक जो है बढ़िया से देख कर जाना, कुछ नहीं बुझा रहा है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर अभी तो कुछ नहीं पढ़े थे ये वो, तो वो लोग भी क्वेश्चन बैंक देखो रात भर में, तुम्हारा सब क्वेश्चन कल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कौन द्विगुणित है, कौन डिप्लोइड स्ट्रक्चर है, डिप्लोइड कौन होता है, सबको पता है जायगोट, कौन होता है जायगोट, कैसा होता है जायगोट होता है, जायगोट कैसा होता है, जायगोट कैसा होता है, डिप्लोइड होता है, ये कैसा होता है हैप्लोइड, ये कैसा होता है ट्रिप्लोइड, ये कैसा होता है डिप्लोइड, पूरी दुनिया को मालूम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पौधा जलोद भित्र पानी में होने वाला कौन है, सिंघाड़ा, ट्रापा, ट्रापा कहाँ होता है, पानी में होता है, कहाँ होता है, पानी में होता है, सर्टोली कुछ का, देख रहे रिपीट देख रहे 80% क्वेश्चन खाली रिपीट 2017 से, तुम्हारा भी जो आने वाला है 17 के बाद, 16 के बाद कम से कम करके जाना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल क्वेश्चन करके जाना, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा कभी भी। किसमें पाया जाता है, ब्रिसन में, किसमें पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कल एकदम धुआं धुआं कर देना एग्जाम में, है ना, देखो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 44+XY होती है, मादा में कितना होता है, 44+XX होता है, नर में कितना होता है, इससे देखो सवाल आता है, कितना हलवा सवाल आता है, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, हाँ दिख रहा है ना, देखो अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, और बढ़िया से पढ़ाई करना है ताकि तुमको लैपटॉप मिल सके। नेक्स्ट कौन है, गेंदा अभ्यारण्य, गेंदा, गेंडा, गेंडा, राइनो, राइनो सेंचुरी कहाँ पर है, सबको पता है असम में है, कहाँ पर है, असम है, असम में। नेक्स्ट सवाल, आरएनए के पॉलीमरेज़ में पाया जाता है, देखो दो चीज होता है, एक होता है प्यूरीन और एक कौन होता है पाइरीमिडीन, ये होता है दो प्रकार का, कौन कौन होता है, एक होता है एडिनिन और एक कौन होता है गुआनिन, ये होता है तीन प्रकार का, कौन कौन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। कह रहा है कि आरएनए के पाइरीमिडीन में कौन कौन पाया जाता है, तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, कौन पाया जाता है, साइटोसिन और यूरासिल, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, ट्रिपल एंटीजन टेबल किसके लिए नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डिप्थेरिया, चाहे उसको रट सकते आ सकता है एग्जाम में।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पल्थी समझो ग्रीन हाउस गैस होते कौन कौन है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होते हैं? तो तीन ऐसे, चार ऐसे गैस हैं जिनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। कौन कौन है वो? CO2, CH4, CFC और N2O। ये कितना परसेंट होता है? 60%। ये कितना होता है? 20%। ये कितना होता है? 14%। ये कितना होता है? 6%। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तुमको पता है कि नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट सवाल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, हलवा क्वेश्चन बाघों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है, फूड चेन का सही सिक्वेंस कौन है? घास को कौन खाता है? गेहूं? नहीं ना। घास बकरी को गाय खाती है? नहीं खाती है। घास को मछली खाती है? नहीं खाती है। घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट कौन है देखो, नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड क्या है? देखो जब डीएनए से मिलता है, सुन लो बात ध्यान से, ये आ सकता है अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब जब शर्करा से मिलता है नाइट्रोजनी क्षार। शर्करा से कौन मिलता है? नाइट्रोजनी क्षार, तो क्या बोलते हैं? साइड। जब न्यूक्लियोसाइड जो होता है इससे मिल जाता है, कौन मिल जाता है? फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। अगर फास्फोरिक अम्ल से मिल जाता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड। इसमें कह रहा है न्यूक्लियोसाइड कौन है? तो सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहा है गैमेट निर्माण, गैमेट निर्माण को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। रट लो इसको, रट लो, शॉर्ट आंसर में आपका है। गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं गैमेट निर्माण। दो तरह का होता है, अगर बन रहा है शुक्राणु तब बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर बन रहा है अंडाणु उसको बोलते हैं ऊजेनेसिस। इसमें कौन होगा? ए नंबर होगा, युग्मक जनन मतलब शुक्राणु जनन। नेक्स्ट सवाल देख लो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको आणविक कैंची कहते हैं। ये दो तरह का होता है, कौन कौन? एक्सो न्यूक्लियेज और इंडो न्यूक्लियेज। तो इसमें दोनों दे दिया, इसमें ऑप्शन शायद गलत है, इसमें लाइगेज इसमें देना चाहिए था, ये देना चाहिए था ए एन बी दोनों, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा, दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसको? राष्ट्रीय उद्यान में दोनों को, फ्लोरा को भी और फाउना को भी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? देखो जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं अपने जायोभार में उसको बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता, और जब उसी पेड़ पौधे को शाकाहारी खाता है और जब उसके जायोभार को अपने जायोभार में परिवर्तित करता है उसको बोलते हैं द्वितीयक उत्पादकता। तो यह संबंधित किससे? शाकाहारी उसे, हार्वी वोरस से। ठीक है, ठीक है, बता तो कौन होगा? पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में क्या करते हैं? किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पराग भित्ति कैसी होती है? पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। कैसी होती है? द्विस्तरीय। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एक्जाइन, बाह्य चोल। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंटाइन, माने अंत चोल। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कह रहा है टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है? देखो जितना भी ब्लड का सेल है, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट हो, कुछ भी हो, वो सब उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। कहां से उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? नेक्स्ट कौन क्वेश्चन है? इको आर1 एंजाइम का स्रोत कौन सा है? देखो इको मतलब इकोलाई, किसका स्रोत है? बी, बी माने इकोलाई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी कौन है, मतलब कीट को खाने वाला? ड्रोसेरा भी है, निपेंथिस भी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन उभयलिंगी प्राणी है? पूरा दुनिया को ये बात मालूम चल चुका है कि केंचुआ उभयलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखो तो बढ़िया से पढ़ना है और क्या मिलेगा? लैपटॉप मिलेगा, सबसे हाई नंबर लेके आना पड़ेगा इसके लिए, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोलेला इनमें से क्या है? कोलेला इनमें से एकल कोशिका प्रोटीन है। क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन। क्राइजीन बॉल क्रीमि से किस फसल को बचाता है? कपास को बचाता है। किस बचाता है? कपास को बचाता है।
अनु डीएनए में कौन सा प्यूरीन बेस है बताओ तो, प्यूरीन कौन बताया था, प्यूरीन के बारे में बता दो इसमें अवसर क्या होगा जल्दी से बता दो, प्यूरीन कौन होगा जल्दी बता दो, प्यूरीन कौन होगा इसमें से जल्दी बता दो, प्यूरीन कौन होगा, प्यूरीन दो दो कौन कौन, एडिनिन और गुआनिन कौन होते हैं, एडिनिन और गुआनिन कौन होते हैं, एडिनिन और गुआनिन होते हैं। नेक्स्ट सवाल, कैंसर किस कारण से होता है, तो कैंसर होता है किस कारण से, ऑन्कोजीन से, किससे होता है, ऑन्कोजीन से होता है, ऑन्कोजीन से। नेक्स्ट सवाल, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, क्या होता है, अलैंगिक जनन मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से बीज चोल किसका खाया जाता है, विच एरियल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका खाया जाता है बता दो, बीज चोल जो है वो खाया जाता है किसका, इसमें से किसका बीज चोल खाया जाता है, इसमें से किसका बीज चोल खाया जाता है, सभी का है ना, चाहे वो जायफल है मतलब मिरिस्टिका है, चाहे वो एनोना है शरीफा, चाहे वो लीची है, सबका बीज चोल इज एडिबल। SO2 प्रदूषण का सूचक है, SO2 से क्या होता है, SO2 से होता है क्या होता है, जल्दी बोलो, अम्लीय वर्षा, क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है एसिड रेन, और इसका सूचक कौन है, लाइकेन, जहां SO2 होता है वहां लाइकेन ग्रो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जल्दी बताओ, शहद निर्माण कौन करता है, जो शहद का निर्माण है किससे होता है, किससे होता है, ऑप्शन है कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है, कौन करता है, कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है, कौन करता है, कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, कौन बीमारी मुर्गियों में होता है, मुर्गियों में होने वाला बीमारी कौन सा है, जल्दी बोलो, मुर्गियों में कौन बीमारी होता है, रानीखेत, कौन होता है, रानीखेत, सबको पता है, सबको पता है, ये सबको मालूम था, सबको मालूम था। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, इडली एवं डोसा का आटा किससे बनता है, किससे बनता है, जल्दी बोलो, इडली एवं डोसा किससे बनता है, किससे बनता है, कहां गया, इस किससे बनता है, ईस्ट से बनता है, ईस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एगरोज किससे प्राप्त होता है, एगरोज किससे प्राप्त होता है, एगरोज, एगरोज किससे प्राप्त होता है, जल्दी बोलो, एगरोज किससे प्राप्त होता है, एगरोज किससे प्राप्त होता है, एगरोज जो है किससे प्राप्त होता है, एगरोज क्या होता है, एगरोज होता है समुद्री घास, किससे प्राप्त होता है, एगरोज, एगरोज प्राप्त होता है किससे, समुद्री घास से, और इसका यूज कहाँ होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कहाँ इसका यूज होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका यूज होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, ओपरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, ओपरॉन मॉडल किसने दिया था, सबको पता है, पूरी दुनिया को बात मालूम चल चुका है, ओपरॉन किसने दिया था, जैकब एवं मोनाद ने, सबका आंसर सही है क्या, सब कुछ सही जानता है क्या, इसको सब कुछ जानता है क्या, इसमें 49 का कौन होगा, सी, 49 का कौन होगा, सी, कौन होगा, सी होगा, कौन होगा, जैकब एवं मोनाद होगा, कौन होगा, जैकब एवं मोनाद होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, बायोगैस में कौन होता है, तो बायोगैस में सब होता है, कौन होता है, सब होता है, सबसे ज्यादा मीथेन होता है, बाकी होता है तीनों, तो सब होता है। नेक्स्ट कौन है, देखो, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, रट लेना है क्वेश्चन को, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेट इन में, कहां गया, ऑप्शन नंबर सी, पैकेट इन, अगर मान लो ऑप्शन पैकेट इन नहीं दिया रहेगा तो दिया रहेगा प्रोफेज वन, क्या दिया रहेगा, प्रोफेज वन दिया रहेगा, तो रट लो, या तो पैकेट इन या प्रोफेज वन, या तो पैकेट इन या प्रोफेज वन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, टीपीसीआर किसके जांच के लिए होती है, किसके लिए होती है, एचआईवी, किसके लिए होती है, एचआईवी, एचआईवी के लिए पीसीआर होता है, एचआईवी के लिए ही होता है एलाइजा, याद आया, ईएलआईएस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस, ये भी किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है, एड्स के लिए। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं, इसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोटिपोटेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोटिपोटेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट सवाल देखो, हाँ तो है ना, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, ठीक है ना, और साथ में तुमको मिलेगा आगे एक बढ़िया सा बैच तुम्हारे कॉलेज प्राप्त करने के लिए। अब तुम स्कूल से निकलोगे, कॉलेज में जाओगे, तो कौन कॉलेज में जाओगे, कैसे जाओगे, सब तुम बताया जाएगा एग्जाम के बाद। अविर्तबीजी पौधों के लिए भ्रूण पोषण की संख्या कितनी होती है, अविर्त कितना होता है, भ्रूण पोष में कितना होता है, सबको पता है थ्रियन होता है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, गलती ऑप्शन है, इसको काट दो, यहाँ लिख दो थ्रियन, कौन होता है, थ्रियन होता है, कौन होता है, थ्रियन होता है। भ्रूण पोष कैसा होता है, थ्रियन, सबको पता था भैया, ये बात सबको मालूम था, थ्रियन होता है। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कर रहा है, कितना हलवा सवाल बताओ, ये सब क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ किसमें हो जाएगा, बताओ जल्दी से, चलो ये हम नहीं बताएंगे, तुम खुद बताओ, 55 का कौन होगा बताओ, 55 का कौन होगा, 55 का कौन होगा,
55 का कौन होगा जल्दी बता दो, 55 का कौन होगा, 55 का कौन होगा, सी लिख रहा है बहुत लोग। दोनों कैसे हो जाएगा, एकल जीन से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बी बी बी। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, कोई पूछ रहा है पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है सर, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, क्या होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। हालांकि इसमें हम बताएं अगर इसमें कौन हो जाएगा, और एंगीजन हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट करें जब मानव युग्मकों में कितनी होती गुणसूत्र, युग्मक में कितना होता है, आधा होता है, कितना रहेगा 23 रहेगा, कितना रहेगा 23 रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन, सबको पता था ये बात, सबको मालूम था जीन का रेगुलेशन क्या करता है, जीन का रेगुलेशन कौन करता है, जीन का रेगुलेशन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसमें पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन किसका खाया जाता है, आंसर है सेब का, इसलिए सेब को बोलते हैं आभासी फल, क्या बोलते हैं इसको आभासी फल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आभासी फल। डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ, सबको पता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज को क्या बोलते हैं, जीवाणुभोजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीवाणुभोजी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल पारिस्थितिकी तंत्र के आचरण में ऊर्जा प्रवाह होता है, ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है, एकदिशीय होता है, कैसा होता है एकदिशीय, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है एकदिशीय होता है, एकदिशीय होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, कौन जैविक खाद नहीं है, कौन जैविक खाद नहीं है, कौन नहीं है एजोला, कौन नहीं है एजोला नहीं है। नेक्स्ट सॉरी 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 एक सेकंड रुक जाओ, इस तरह क्वेश्चन एजोला नहीं होगा, इसमें इसमें कौन हो जाएगा बैसिलस थ्यूरिएंजियसिस, जो बैसिलस थ्यूरिएंजियसिस है यह क्या है, यह एक कीटनाशक है, जैविक खाद नहीं है, कीटनाशक है जैविक खाद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षय रोग का संक्रमण, क्षय रोग माने टीबी, क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है, कौन जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, किससे होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो कैसे फैलता है, हवा से फैलता है, कैसे फैलता है, हवा से फैलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जैव रिएक्टर किसमें, इनमें से सभी, कौन हो जाएगा, सबको पता है ये बात, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, कौन विषाणु से नहीं होता है, डिप्थेरिया, कौन हो जाएगा डिप्थेरिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, पशुपालन में कौन सम्मिलित नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, कार्बनिक खेती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, किसका नहीं है माइक्रोबायोलॉजी से संबंध, जल्दी बता दो, जेडी वाटसन, इन्होंने तो डीएनए का ना मॉडल दिया था, इनको कर लेना है माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है ना, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था डीएनए का मॉडल, इनका कोई संबंध नहीं है माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंटीकोडोन्स में किसमें पाया जाता है, सबको पता है ये बात कि एंटीकोडोन, जल्दी बताओ एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है, बता दो एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है, एंटीकोडोन अभी बताया थे एंटीकोडोन जो है किसमें पाया जाता है, एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है, एंटीकोडोन किसमें होता है, एंटीकोडोन किसमें होता है, ऑप्शन है एमआरएनए की, आरआरएनए की, टीआरएनए, तो कौन हो जाएगा इसमें, हो जाएगा टीआरएनए, कौन हो जाएगा इसमें, कौन होगा जल्दी बताओ, कौन हो जाएगा इसमें, टीआरएनए हो जाएगा, टीआरएनए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या दिया था, मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्या दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, क्या दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, पृथक्करण का नियम किसको क्या गया, पृथक्करण सिद्धांत को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ये इसी को बोलते हैं मेंडल का प्रथम नियम, क्या कहते हैं इसी को, मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं। नए प्रजाति के विकास को क्या कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं, कहा गया, तो ये पूछ रहा है किससे उत्पन्न होता है, उत्परिवर्तन से होता है, किससे होता है, उत्परिवर्तन। और इस तरह से ये स्लाइड खत्म हो गया, अब हम लोग आएगा नेक्स्ट स्लाइड, तब तक 2 मिनट जाकर पानी वानी पीना हो तो पी लो बढ़िया से, फिर हम लोग अभी सेकंड स्लाइड में और बात करेंगे और क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा अभी।
हाँ तो क्या हो रहा है भाई, 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा। देखो वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या होता है, देखो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन होता है एक घोल मतलब सस्पेंशन, और उस घोल में क्या होता है कि उस घोल में होता है उस बीमारी का पैथोजन। ऐसे मान लो कि कोरोना का वैक्सीन है, तो कोरोना का वैक्सीन जो है वो कोई दवाई नहीं है, तो कोरोना का वैक्सीन में क्या होता है, कोरोना का वैक्सीन होता है कि कोरोना का ही वायरस रहता है लेकिन वो कमजोर अवस्था में रहता है ना। मतलब पोलियो का वैक्सीन है तो पोलियो वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, बल्कि तो पोलियो के वैक्सीन में पोलियो का ही वायरस रहता है कमजोर अवस्था में, उसी को बोलते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन मतलब हिंदी में बोलते हैं टीका। टीका क्या है, एक घोल है। वैक्सीन इज सस्पेंशन इन विच पैथोजन इज प्रेजेंट आइदर इन वीकेंड स्टेज और इन डेड स्टेज। मतलब कि टीका एक ऐसा घोल है जिसमें कि रोगजनक या तो कमजोर अवस्था में या मृत अवस्था में उपस्थित रहता है। एंड द मेथड बाय विच वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। जिस प्रक्रिया के द्वारा टीका को मानव के शरीर में प्रवेश कराया जाता है उस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। जैसे कि या तो उसको दिया जाता है ओरली दिया जाता है, पोलियो का वैक्सीन था वो दिया जाता है ओरल है ना, मुख में सीधा। कोरोना का वैक्सीन दिया जाता है इंजेक्शन से। जिस भी तरीका से वैक्सीन शरीर में दिया जाता है उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, टीकाकरण। द मेथड बाय विच वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू होस्ट बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। क्लियर है, ये पूछा था बता दिए इसको। चलो देखते हैं क्वेश्चन, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बढ़िया से पढ़ना है, क्या मिलेगा ध्यान रखना है, लैपटॉप मिलेगा है ना, ध्यान पढ़ना है, क्या मिलेगा लैपटॉप मिलेगा। चलो तो अभी तुम लोग पढ़ रहे बायोलॉजी, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किसमें किया जाता है, कौन होगा इसमें, आवाज नहीं आ रहा, अब जा रहा होगा आवाज, अब ठीक है आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है ना। चलो तो कौन होगा, टीआई प्लाज्मिड किसमें से प्राप्त किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। कौन हो जाएगा इसमें से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, कौन हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य किस ऑर्डर और किस कुल में आता है, मनुष्य प्राइमेट में आता है और होमिनिडी में आता है, किसमें आता है, प्राइमेट में और होमिनिडी में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से प्लाज्मिड कौन है, प्लाज्मिड कौन है, तो जहां भी तुमको ये दिख रहा है ना H1, 1, 2, 3 ये सब प्लाज्मिड नहीं होता है, ये सब होता है प्रतिबंधन एंजाइम। तो कौन हो जाएगा इसमें, PBr322, कौन हो जाएगा, PBr322। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है, विच बॉडी इज हैप्लोइड, इसमें से कौन जो होता है हैप्लोइड होता है, तो शैवाल भी हैप्लोइड होता है, ब्रायोफाइटा भी हैप्लोइड होता है, समझ ना है ना, ये भी हैप्लोइड होता है, ये एक सेकंड, ये भी हैप्लोइड होता है, ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड, तो कौन लगेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है, 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है। नेक्स्ट बाह्य स्थानीय संरचना का उदाहरण कौन है, देखो बाह्य स्थानीय अंतःस्थानीय बताए हैं, कि अगर शरीर अगर किसी जानवर को बचाने के लिए पूरा का पूरा, अगर किसी जानवर को बचाने के लिए पूरा का पूरा जंगल बचा रहे हैं उसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, क्या से क्या बोलते हैं उसको, स्वस्थानीय संरक्षण। और अगर उसको उसको प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकाल के बचा रहे हैं उसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो कह रहा है इसमें से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, पवित्र उपवन स्वस्थानीय होता है, कैसा होता है, स्वस्थानीय, राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय होता है, बीज बैंक स्वस्थानीय नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, बुझा गया तुमको। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे, टर्नर सिंड्रोम में कितना गुणसूत्र होगा, टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम होगा बताओ,
कितना होता है 45 होता है, कितना होता है 45। आरएनए के आधार अनुक्रम का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? देखो आरएनए में दिया हुआ है ए यू सी जी जी सी सी यू जी है, ठीक है, जो भी दिया है तो ये आरएनए में दिया है, किसमें पूछ रहा है डीएनए में, तो डीएनए में क्या हो जाएगा? देखो एडेनिन किससे बना होगा, इधर थायमिन होगा तो बना होगा, यूरासिल किससे बना होगा, एडेनिन से, ये किससे बना होगा, जी से, सी से, जी से, जी से, ए से, सी से और ए से, सॉरी टी से। तो देख लो कौन है इसमें से, टी ए जी सी जी ए सी टी, टी ए जी सी, ये देखो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, देखो ये वाला सही दिया है ऑप्शन बी नंबर होगा, इसी को यहाँ लिख दो टी ए जी सी, लिख रहा है टी ए जी सी जी जी ए सी टी, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? कौन होता है, सबको पता है विटामिन ए, कौन होता है विटामिन ए, सबको पता था ये बात, सबको मालूम था ये बात ना, विटामिन ए होता है, सबको मालूम था ना ये बात, विटामिन ए होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप क्या प्रदर्शित करता है? एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये अपूर्ण प्रभाविता भी शो करता है, बहुएलीलता भी शो करता है, सॉरी अपूर्ण प्रभाविता शो नहीं करता है, कौन कौन शो करता है, बहुएलीलता और सप्रभाविता, तो कौन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, देखो रक्त समूह को कंट्रोल कौन जीन करता है, आईजीन, आईजीन कितने एलील होते हैं, 3 एलील, तो ये क्या हो गया बहुएलीलता, और आई ए आई भी होते हैं सप्रभावी, स्मॉल आई होता है अप्रभावी, तो ये कैसे हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और बताओ प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या कहलाता है, सबको पता है स्पोरोजोइट, कौन होता है स्पोरोजोइट, क्या हो गया जी कमेंट में क्या हो गया, बन रहा है क्वेश्चन, बन रहा है ना, हाँ कौन होगा इसमें 11 का कौन होगा, ये होगा स्पोरोजोइट, कौन होगा स्पोरोजोइट होगा, स्पोरोजोइट होगा, स्पोरोजोइट, कोई दिक्कत, स्पोरोजोइट होगा। अच्छा मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, किससे होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से कौन लेके आता है मादा एनोफिलस, कौन लेके आता है मादा एनोफिलस लेके आता है, कौन लेके आता है मादा एनोफिलस लेकर आती है, और वो प्लाज्मोडियम आता है स्पोरोजोइट के रूप में, फिर वो पहुंच जाता है कहां पे, लीवर में, जहां पर वो कौन सा, जहां पर वो कौन सा वृद्धि करता है, अलिंगीकरण करता है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया जी, क्वेश्चन गलत हो गया क्या, कौन लिख रहा है गलत क्वेश्चन हो गया, कौन बोला गलत हो गया, बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े, सही है सही है सही है सही है, हाँ आता है क्वेश्चन बैंक से आता है। चलो नेक्स्ट देखो, जीएटीटीसी कौन हो जाएगा इसमें से, इको वार फर्स्ट हो जाएगा, कौन हो जाएगा इको वार फर्स्ट, याद कर लो इसको, एसीटीएन 4 होता है, नहीं कौन बोल रहा है एसीटीएन 4 होता है, 5 होता है। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, धान के लिए, कौन हो जाएगा इसमें धान, चावल मतलब राइस। नेक्स्ट है, रिट्रोविषाणु निम्नांकित में से किस बीमारी का रोग जनक है, रिट्रोविषाणु मतलब कि जिसमें आरएनए होता है, कर दिए बड़ा क्वेश्चन कर दिए जी, क्वेश्चन बैंक से आता है, एग्जाम जाने से पहले 17, 18, 19, 20, 21 कम से कम ये 5 साल का क्वेश्चन बढ़िया से देख के जाना, बड़ा क्वेश्चन कल्याण हो जाएगा इतना में। तो इसमें से कौन हो जाएगा बताओ, रिट्रोवायरस कौन होता है जिसमें आरएनए होता है, उसको बोलते हैं रिट्रोवायरस, क्या बोलते हैं रिट्रोवायरस, तो इसमें कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बताओ एड्स, कौन हो जाएगा एड्स, फाइलेरिया तो होगा नहीं ना, अरे फाइलेरिया तो होता है उससे ना, गोल कृमि से होता है, और ये तो होगा नहीं, टिफलिस होता है तुमको बैक्टीरिया से, तो एड्स होगा। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट सर लॉन्ग क्वेश्चन पर भाग लो अच्छे मार्क्स से, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लो, और देखो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे ना बढ़िया से और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। पॉलीमरेज सेल अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का क्या होता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है ना, कौन सी होता है इसमें, कहला किया जाता है इसको डीएनए का परिवर्तीकरण करने के, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए किया जाता है, फास्ट किया जाए थोड़ा सा, फास्ट किया जाए,
कौन सा प्रारंभ कूट है? प्रारंभ कूट कोडोन कितने होते हैं? 64 कितने होते हैं? 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64। तीन को बोलते हैं समापन कोडोन। सब लोग डी बता रहे हैं। डी 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 कैसे होगा? डी कैसे होगा? इसमें डी नहीं ना होगा। प्रारंभ कूट पूछ रहा है, प्रारंभ कूट, अंतिम कूट, समापन कूट नहीं पूछ रहा है, प्रारंभ कूट पूछ रहा है। हाँ बी होगा। बहुत तो सही बताए हैं। बी 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 सही है बी। देखो ए यू जी और जी यू जी ये दोनों होते हैं प्रारंभ कूट, और उल्लू आया आया यूएजी, उल्लू आया गया यूएजी, और उल्लू गया आया यूजी, ये तीनों होते हैं समापन कूट। कौन होते हैं? समापन कूट होते हैं। नेक्स्ट, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? आंसर है मादा के अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है? मानव के अंडाशय में। तो मानव को मावन हो गया, जो भी मानव कहाँ पाया जाता है? मानव अंडाशय में। मानव में किसमें? अंडाशय के अंदर में होता है। नहीं ना, कहाँ होता है? मादा में होता है। कौन होगा? मादा में होता है। ठीक है ना, बढ़िया से पढ़ना है। अभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, कुछ देर बाद अब तुम्हारा सब्जेक्ट खत्म हो ही चुका है। अब तुमको आगे देखना है कि फ्यूचर में क्या करना है ना। चलो नेक्स्ट से, नेक्स्ट होता है सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन? अभी कुछ पहले बनाया थी इसको, फिब्रोइन होगा। इतना आसान क्वेश्चन, हाँ लड़ेगा क्वेश्चन, जरूर लड़ेगा क्वेश्चन बाबू, जरूर लड़ेगा। कल फिर मिलेंगे ना हम लोग एग्जाम के बाद, क्या टेंशन ले रहे हैं, कोई भाग तोड़ रहे हैं। तो पक्षी और तितली अंग कैसा होता है? तो पक्षी या तितली दोनों के अंग, पंख का काम कौनसी है? उड़ना। कौनसी काम है? उड़ना। लेकिन पक्षी का पंख का संरचना अलग होता है, तितली का अलग होता है। तो ऐसे जो अंग होते हैं जिनका संरचना अलग अलग होता है और कार्य समान होता है, इनको बोलते हैं समजात अंग। कहाँ गया? समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं इनको? समजात अंग बोलते हैं। ठीक है, फास्ट किया जाए, फास्ट कर दिया जाए। बहुत अच्छा, स्लो कीजिए, स्लो कीजिए, स्लो कर दिए थोड़ा सा। बताओ इसमें से पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, सबको पता है कौन नहीं पाया जाता है? कौन नहीं पाया जाता है जी? बबूल नहीं पाया जाता है। इसमें थोड़ा ऑप्शन गलती है, अकेसिया हो जाएगा। बबूल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अकेसिया बोलते हैं, सबको पता है ये बात। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? जल्दी बता दो तो, कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं होता है? कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं होता, जल्दी बता दो। हाँ अरे डी कौन बोल रहा है? डी क्या बोल रहा है ट्रुकोप? डी क्या बोल रहा है? उल्टा कौन नहीं होता है? ऊर्जा का ना। कौन उल्टा नहीं होता है? ऊर्जा का ना। डी बोल रहे है तुम लोग। बताओ और बताओ, कौन सा द्विगुणित? बताओ इसमें कोई गलती करेगा? इसमें गलती करेगा तुम लोग? बताओ इसमें एन हो गया, एन हो गया, यहाँ पर थ्री एन हो गया, और यहाँ पर कौन हो गया? टू एन। सबको पता है सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा जैव आवर्धीकरण का कारण किसको माना गया है? जैवीकरण किससे होता है? डीडीटी से होता है, और इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? पक्षियों पर पड़ता है। पक्षियों का अंडा कमजोर हो जाता है और जनसंख्या उनकी घटते जा रही है ड्यू टू डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन, डीडीटी जैव आवर्धन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो वायु परागण किसमें नहीं होता है, जल्दी बता दो। वायु परागण जो है किसमें नहीं होता है? वायु परागण जो है किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? साल्विया। नेक्स्ट, जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? तलछटी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है ओकाजा की फ्रेगमेंट कब बनता है? ओकाजा की फ्रेगमेंट कब बनता है? कब बनता है? कहाँ बनता है? ऑप्शन है लैगिंग स्टैंड में, कि लैगिंग में मतलब कि कंटिन्यूस में, डिसकंटिन्यूस में। ओकाजा की बनाना है ना, तो कहाँ बनेगा? असंतत में बनेगा। कहाँ बनेगा? असंतत में बनेगा। इसमें सी क्या बोल रहा है? कौन सी बोल रहा है? लैगिंग स्टैंड। अच्छा हाँ हाँ, देखो दोनों सही है ना, बी भी सही है और सी भी सही है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। क्योंकि देखो जहां पर होता है असंतत द्विगुणन उसी को ना बोलते हैं लैगिंग स्टैंड, बोलते हैं ना, इसलिए कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा जलीय घास है? जलीय घास कौन है इसमें से? जलीय घास कौन है इसमें से? कौन है जलीय, सॉरी जंगली घास, जंगली घास। विच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट? हिंदी कुछ और है, इंग्लिश कुछ और है। देखो हिंदी में क्या है कि कौन जलीय जंगली घास है, अंग्रेजी में क्या है? विच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट, मतलब चलो अंग्रेजी वालों को सही मान लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कौन इसमें से जलीय पर्यावरण में ग्रो नहीं करता है, मतलब कौन जल में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन में दिया है बबूल, काट दो इसको, बबूल।
देखो जब जब भी हिंदी अंग्रेजी में अगर कंट्रडिक्शन होता है तो अंग्रेजी वाले को सही माना जाता है किसी भी एग्जाम में, है ना, ध्यान रखना ही बस को, नीट में भी हर एक एग्जाम में। गोबर गैस प्लांट में कौन सी जीवाणु प्रयुक्त होता है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, कौन होगा इसमें से, कौन होगा इसमें से, इसमें से कौन होगा जल्दी बता दो, पहले इसमें से कौन होगा जल्दी बता दो, गोबर गैस बोल रहा है ना, गोबर गैस में कौन होता है, मिथेनोजन, सबको पता है, पूरी दुनिया को बात मालूम है। कौन कैंसर कोशिका है, सबको पता है, हेला कोशिका, कौन सा कोशिका होता है, हेला कोशिका। नेक्स्ट देखो, जल में इकोलाई की अधिकता किसकी सूचक है, जल में अगर इकोलाई ढेर बढ़ रहा है तो मतलब इसका कंची है कि उसमें ज्यादा पोषण हो गया, मतलब उसमें सुपोषण हो गया है, सुपोषण इन सब कारणों से होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कौन मोबाइल, मोबाइल मतलब मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब ई मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब क्या होता है, चलनशील, कह रहा है इसमें कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, ऑप्शन में ट्रांसपोजन भी सही है, जंपिंग जीन भी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुन में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, प्रकाश रासायनिक धुन में इसमें से कौन नहीं पाया जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कौन नहीं पाया जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कौन नहीं पाया जाता है, सल्फर ऑक्साइड। कायिक प्रवर्धन किससे होता है, किससे होता है, राइजोम से होता है, किससे होता है, राइजोम से होता है। कौन संकटग्रस्त स्पीशीज है, संकटग्रस्त स्पीशीज कौन है इसमें से, इसमें से संकटग्रस्त कौन है, कौन है, कौन है इनमें से सभी। नेक्स्ट, ZW, देखो अगर XXXO दिया है ये कौन सा होता है, कीट का होता है, अगर XXXY दिया है ये किसका होता है, मानव का होता है, और अगर ZZZW दिया है ये किसका होता है, पक्षी का होता है, तो कौन हो जाएगा इसमें, मोर में, मोर कौन सी है, पक्षी है ना, तो मालूम है मोर पक्षी है, मोर पक्षी है कि नहीं बताओ तो, हाँ मोर पक्षी ही है सर, मोर पक्षी है। बताओ किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र किसे बनता है, मिजोडर्म से, जो रक्त है जो परिवहन तंत्र है इसे किसे बनता है, मिजोडर्म से बनता है, किससे, हाँ मोर, मोर नाचेगा जंगल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन अनुवांशिक पदार्थ विविधता भारत में अत्यधिक है, तो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन पाया जाता है बता दो, कौन पाया जाता है, हालांकि चावल पाया जाता है, चावल दिया नहीं है तो आम मान लेते हैं, कौन हो जाएगा, आम हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन दिया है, अपघटक कैसे होते हैं, अपघटक कैसे होते हैं, सबको पता है, परपोषक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं मार के खाते हैं, परपोषक होते हैं। नेक्स्ट, पुनर्योगज जीनोटिकिटी का क्या है, पुनर्योगज का जो है इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे क्या है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी है वे क्या है, वो लाइकोप्रोटीन है, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन है, वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कह रहा है कॉपर टी, देखो कॉपर टी क्या करता है, कॉपर आयन मुक्त करता है, कॉपर टी क्या करता है, कॉपर आयन मुक्त करता है, और कॉपर आयन क्या करता है, शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देता है, इसे निषेचन नहीं हो पाता है, शुक्राणु जब पहुंच ही नहीं पाएगा अंडाणु के पास तो क्या निषेचन हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा, तो वही चीज हो जाता है, तो मतलब ये क्या करता है, निषेचन को रोक देता है, क्या करता है बोलो, तो आंसर है फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बता दो, बता दो क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक बोलते हैं, और इसमें नहीं पाया जाता है उसको नॉन इंडोस्पर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो समाप्त हो गया स्लाइड भी, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया जी, क्या बात, क्या बताओ, हो गया, नेक्स्ट देखा जाए। चलो अब ऐसा करते हैं ना, कुछ देख लेते हैं सब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव हो गया करते हैं, अब कुछ सब्जेक्टिव देख लिया जाएगा, अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो कुछ तुम बताओ जो क्वेश्चन तुमको दिक्कत आ रहा है, और कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे खुद से जो हमको लग रहा है कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव हो चुका, ऑब्जेक्टिव देखो इतना देख लो तो तुम्हारा लगभग लगभग 50-60-70 ऑब्जेक्टिव है, उसमें तुम्हारा जो है 50 कम से कम इसमें से आ ही जाएगा। और तुमको और देखना है तो 3 घंटे का वीडियो एक होगा, उसको देख लेना इंटू टू करके, उसमें तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्टिव डाल जाएगा उसमें से, दो वीडियो में से, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर, अगर किसी लोग को किसी क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा है ज्यादा तो वो क्वेश्चन लिखेंगे कमेंट में और उसको अभी हम बताने का काम करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुमको जो जो टॉपिक में दिक्कत लग रहा है वो टॉपिक क्या करना है, लिख देना है, उस टॉपिक को जो है हम अभी करवाएंगे। जिस टॉपिक में लग रहा है दिक्कत है वो टॉपिक लिख देना है, उसको हम करवाएंगे अभी। देखो तुम चैप्टर मत बोल देना कि सर जनरल कुछ नहीं आता है, अभी लिख दोगे सर जनरल में कुछ नहीं आता है, या लिख दोगे कि सर जेनेटिक्स में कुछ नहीं आता है, फिर से कोई जवाब नहीं है ना। कोई टॉपिक लिखो कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, हम क्वेश्चन बैंक देखे हैं और हमको ये टॉपिक लग रहा है कि समझने में दिक्कत आ रहा है, ऐसे कुछ बताओ, है ना, ऐसे बताना है। कुछ ना कुछ तो सॉल्व किए होगे, टेस्ट दिए होगे, क्वेश्चन बैंक देखे होगे, और तुमको जो क्वेश्चन लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, तुमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन तुम लिखो, लिखना है कमेंट में बोर्ड है ना। तो उस तरह से वो टॉपिक लिखो, तुम्हारे से हम लेंगे क्वेश्चन, तुम जो टॉपिक बोलोगे वहीं अभी हम करेंगे, ठीक है ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव पहले भी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव का क्लास जो है पहले भी हो चुका है और उसका वीडियो है, अभी भी ऑब्जेक्टिव हुआ है, इतना सफिशियंट ऑब्जेक्टिव है, हम लोग अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, इसको भी बढ़िया से देख लो। इसको पहले भी एक वीडियो हुआ था 1 घंटा का, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव हुआ था और अभी भी पूरा ऑब्जेक्टिव हुआ, ये देख लो। और एक और वीडियो होगा 3 घंटा वाला, उसको देख लो यूट्यूब करके, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इसमें छूटने नहीं है, ठीक है। चलो तो कोई बोल रहा है कैंसर करवाइए, चलो कैंसर बताते हैं। देखो कैंसर, कैंसर देखो कैंसर क्या होता है, कैंसर जो है इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। कैंसर अच्छा टॉपिक है, ये जो टॉपिक लिखो अभी हम लगे कि हाँ ये अच्छा है, आ सकता है, उसको अभी हम करवाएंगे अगले 1 घंटा तक, अगले आधा 1 घंटा हम लोग खाली अब क्वेश्चन बात करने वाले हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन को लग रहा है कि क्वेश्चन हमको दिक्कत आ रहा है समझने में, क्वेश्चन बैंक में था, टेस्ट में आया था और हमको समझ नहीं आया था, तो वो क्वेश्चन तुम लिखो, लास्ट मिनट में उसको हम रिवीजन कर लेंगे अभी, ठीक है ना। चलो तो पहले बात करते हैं बारे में, तो कैंसर हिंदी में लिखते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए कल लगभग हो चुका था। तो कैंसर जो होता है, इसको कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक। कैंसर जो होता है यह, अगर देखा जाए तो कैंसर क्यों होता है, तो शरीर में हमारा बन जाता है ट्यूमर। अब देखो उतना विस्तार में नहीं जाएंगे, अगर उतना ही बता दें तुम्हारे बोर्ड में आए तुम उतना लिख के आ जाओ। तो हमारे शरीर में जब ट्यूमर बनता है, समझते हैं ट्यूमर क्या है, ट्यूमर है कोशिकाओं का समूह। जो ट्यूमर बनता है वो होता है दो प्रकार का, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसी को बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं उसी को, कैंसर। कैंसर का जो टेस्ट होता है, तो पहले होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से मालूम चल जाता है कि ट्यूमर कैसा है, अगर वो बेनाइन, देखो दो तरह का ट्यूमर होता है उनको मालूम है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक कौन होता है बेनाइन ट्यूमर, और एक कौन होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक बेनाइन होता है और एक मैलिग्नेंट होता है। इसमें से मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हो रहा है उसमें दर्द होता है, उस शरीर में फैलने लगता है, ये सब लक्षण होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का। जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ तो मान लो चेक कराया गया सीटी स्कैन, तो अगर मालूम चला कि हाँ ट्यूमर है, उसके आसपास अगर क्या है शाखाएं निकली हुई है, मतलब वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, तब या तो MRI कराया जाता है, MRI, या कराया जाता है बायोप्सी। क्या कराया जाता है, बायोप्सी। इससे कंफर्म हो जाता है कि कैंसरस ट्यूमर है कि नहीं है। अगर कंफर्म हो गया कि कैंसरस ट्यूमर ही है तो सर्जरी है ना, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये 3 स्टेप में इसका इलाज कर दिया जाता
है। कैंसर सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है? स्किन कैंसर होता है 85% कैंसर में, 100 में से 85 लोग को जो कैंसर है वो खाली कौन कैंसर है? स्किन कैंसर है। इसके अलावा ब्लड कैंसर भी होता है, बसा उत्तक में भी कैंसर होता है, बहुत तरह के कैंसर होते हैं शरीर में। अगर हार्ट को छोड़ दिया जाए बाकी सब में कैंसर हो सकता है, हार्ट में कैंसर नहीं हो सकता है और नहीं होता है। तो अब क्यों नहीं होता है तुमको नहीं जानना है, अगर तुम आगे बायोलॉजी पढ़ोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो वहाँ हम बताएंगे तुमको कि हार्ट में कैंसर नहीं होता है, हार्ट को सब कैंसर हो सकता है, हार्ट में क्यों नहीं होता है उसका भी कारण है, फिलहाल वहाँ टाइम हो चुका जानोगे। तो सीटी स्कैन एमआरआई बायोप्सी इन सब चीजों को कर उसके बाद उसको सर्जरी कर रेडियोथेरेपी करके कीमोथेरेपी करके उसको इलाज किया जाता है, ठीक है। अब इसको एक बार नोट, तुम बताओ हम सब बता देंगे ऊपर से, और तुम जाके एक बार नोट्स पढ़ लेना है या क्वेश्चन बैंक पढ़ लो और तुम्हारा जो है तैयार हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो ये था कैंसर के बारे में। चलो एक काम करते, सुनो तुमको हम हर एक चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना, और तुमको वो क्वेश्चन देखना है। पहला टॉपिक तुम्हारा था जनन, तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है वो कौन है? जनन है। अब इसमें तुमको क्या क्या पढ़ के जाना ही है, पढ़ के जाना ही, तुमको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। तो उसमें से एक हो गया जनन चक्र, ठीक, जनन चक्र। जनन चक्र मतलब क्या हो गया कि तुमको जो है मद चक्र और आर्तो चक्र, ये होता है दो टाइप का, तुमको मालूम है ना, एक होता है मद चक्र और एक कौन होता है आर्तो चक्र, ठीक। ये किसमें होता है? नॉन प्राइमेट में। ये किसमें होता है? प्राइमेट। और आर्तो चक्र को विस्तार में पढ़ाया गया है थर्ड चैप्टर में, अब हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। आर्तो चक्र पहले भी बढ़िया से हो चुका है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है चार अवस्था में होता है, मासिक प्रवस्था, पुटकी प्रवस्था, अंडोत्सर्ग और पित्त प्रवस्था। इस चारों प्रवस्था में कौन कौन सा हार्मोन होता है, कौन कितने से कितने दिन का होता है, वो सब तुमको बने से याद कर जाना चाहिए। 5 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है या यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक। उसके तुमको और क्या पढ़ के जाना है? तुमको जरूर पढ़ के जाना है पराग कण के बारे में, है ना, और इसके बारे में, पराग कण के बारे में पढ़ के जाना है कि पराग कण के ऊपर दो परत होता है, एक होता है इसको बोलते हैं बाह्य चोल, अंदर वाले को बोलते हैं अंतः चोल। पराग कण के जो बाह्य चोल है बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, जो अंतः चोल बना होता है सेलुलोज प्रोस्पेक्टिन का। अंदर दो कोशिकाएं होती हैं बड़ी और छोटी, बड़ी वाले को बोलते हैं कायिक कोशिका, छोटे वाले को बोलते हैं जननी कोशिका। ये तुमको देख के जाना है। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि पराग कण के अलावा और क्या पढ़ के जाएंगे सर, और तुमको पढ़ जाना है अंडाशय के बारे में, सॉरी अंडा, तुमको पढ़ जाना है बीजांड के बारे में, इसके बारे में पढ़ के जाना है बीजांड। बीजांड का जो स्ट्रक्चर है वो तुमको देख के जाना है, कैसा होता है स्ट्रक्चर बीजांड का, कैसा होता है याद आ रहा है? बीजांड कैसे हम लोग बनाए थे याद आ रहा है तुमको कैसे होता है? ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है बीजांड का स्ट्रक्चर, तो ये तुमको देख के जाना है, ये होता है बीजांड का स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये कौन है? भ्रूण कोष है, और तुमको भ्रूण कोष भी पढ़ के जाना है, ये है तुम्हारा भ्रूण कोष, इसको भी पढ़ के जाना है। इसमें कितना कोशिका कितना केंद्रक होता है सबको बता दो तो, इसमें होता है 8 केंद्रक और 7 कोशिका। कितना होता है? 8 केंद्रक होता है और 7 कोशिका, सबको पता है ये बात, सबको पता है ये बात, सबको पता है ये बात। इंग्लिश में कल हो चुका है इसलिए इंग्लिश वाले लोग अभी नहीं बोले हैं इंग्लिश में करने के लिए, है ना, इंग्लिश में कल हो चुका है वो वीडियो आप जाकर देख लेंगे। तो पराग कण और बीजांड, और ये हो गया तुमको भ्रूण कोष के बारे में, ये तुमको पढ़ के जाना है। इसके अलावा तुमको क्या पढ़ के जाना है? तुमको पढ़ के जाना है द्विनिषेचन। क्या पढ़ के जाना है? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। कि जो द्विनिषेचन होता है यह दो आता है ना, एक आता है सत निषेचन, एक होता है त्रिसंलयन। सत निषेचन से बनता है भ्रूण और त्रिसंलयन से बनता है भ्रूण कोष, तो वो तुमको देख के जाना है कि कैसे होता है, उसका खोज कौन किया था, तुमको जरूर से देख के जाना है। फोर्थ तुमको क्या देख के जाना है? कुछ शब्द है जो तुमको देख के जाना है, जैसे कि सत्य फल क्या है, कौन सा शब्द हो गया सत्य फल क्या है, और कौन देखे जाना है कि आभासी फल कौन है, आभासी फल कौन है, और तुम कौन देखे जाना है कि बहुभ्रूणता क्या होता है, बहुभ्रूणता क्या होता है। ये सब जो शब्द हैं, एल्बुमिनस बीज कौन है, गैर एल्बुमिनस बीज कौन है, इस तुमको देख के जाना है, इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। जिसमें भ्रूण पोष बचा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस बीज। पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गैर एल्बुमिनस बीज। ये तुमको देख कर जाना है। इसके अलावा आ जाओ, इसके अलावा जो जनन तंत्र का संरचना है, चाहे वो नर का हो या मादा को, दोनों देख के जाना है कि नर जनन तंत्र संरचना कैसा होता है और मादा जनन तंत्र कैसा होता है, दोनों को हमें से याद कर जाना है, एग्जाम में वो दोनों आ सकता है। इसके अलावा नर युग्मक जनन कैसे होता है, युग्मक जनन दोनों का, नर का भी और मादा का भी। नर में कैसे होता है तुम्हें याद आ रहा है कि एक नर जननी कोशिका होता है, या उसी को बोलते हैं क्या, नर जर्म कोशिका। क्या बोलते हैं इसी को? नर जर्म कोशिका। इसमें होता है पहले विभाजन, इससे बनता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, उसके बनता है स्पर्मेटिड, उससे बनता है शुक्राणु। पोषण लेने जाता है किसके पास? जाता है वो सटोली कोशिका के पास, वहां से उसको मिलता है पोषण। तो ये सब तुमको बढ़िया से देख के जाना है। इसके अलावा
अंडाणु निर्माण कैसे होता है, उसमें प्राथमिक पुटक क्या है, द्वितीयक पुटक क्या है, ग्राफियन पुटक क्या है, ग्राफियन पुटक में जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो सभी तुमको देखकर जाना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तुमको जो है देखा जाए आर्तो चक्र पहले ही बताया है यहाँ पर, जो आर्तो चक्र होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी तुमने से पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, कैसे बनता है युग्मनज जायगोट, फिर वहां से ब्लास्टोमियर कैसे बनता है, मुरूला कैसे बनता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, आंतरिक कोशिका समूह क्या है, तीन परत कैसे बनता है, ये पूरा सिक्वेंस है, ये याद रहना चाहिए। इसके अलावा जो हार्मोन के बारे में बताया गया है, LH हार्मोन, FSH, GnRH, ये सब कहाँ कहाँ से निकलता है, GH कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से, LH और FSH कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्रपीयूष ग्रंथि से, ये देख के जाना है। इसके बाद आ जाओ, इसके तुम देखे जाना है कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उसमें कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 है ना। सर्जिकल विधि में आ जाओ तो उसमें तुमको जो हो गया वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी है ना, ये सब जो है देख के जाना है। ये सब 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सा विधि होता है। कॉपर टी कॉपर 7 कैसे काम करता है वो देख के जाना है। कॉपर टी कॉपर 7 जो होता है उसमें से कॉपर आयन मुक्त होता है, और जो कॉपर आयन होता है वो शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है, जिससे कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। तो ये हो गया तुम्हारे जनन चैप्टर का, जनन में जो 4 चैप्टर है उसमें ये टॉपिक्स है, जो कि देख के जाओ 90% चांस है क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक में से हर साल आते हैं, इसी में से आएंगे। इसमें अब तुमको जो टॉपिक लग रहा है कि दिक्कत ज्यादा है उसको लिखो कमेंट में, उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें से जो टॉपिक लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत अगर आ रहा है तो उसको लिखो, वरना अभी हम लोग मूव करेंगे जेनेटिक्स की तरफ। बताते हैं जेनेटिक्स में वो क्या क्या देखे जाना है। इंग्लिश वाले लोग के लिए कल क्लास हो चुका था, तो वो लोग जाकर इतना वो क्लास देख लेंगे, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से अभी हिंदी वाले लोग के लिए, या देखो इसमें से जो दो समझ में आ रहा है समझ लो, या कल जाकर, या कल जो क्लास हो सकता है उसको देख लेना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये तुमको जो है देख कर जाना है हिंदी मीडियम फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक रिप्रोडक्शन में। आभासी फल, देखो दो तरह के फल होते हैं, एक कौन होता है सत्य फल, एक कौन होता है आभासी फल। अगर फल का विकास केवल अंडाशय से हो रहा है तो उसको बोलते हैं सत्य फल, और अगर फल के विकास में अंडाशय के अलावा कोई और भाग भी है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आभासी फल। अगर केवल हो रहा है अंडाशय से उसको क्या बोलते हैं सत्य फल, और अंडाशय के अलावा किसी और भाग से भी हो रहा है उसको क्या बोलते हैं आभासी फल। जैसे कि सेब में क्या होता है कि अंडाशय के अलावा पुष्पाशन भी खाया जाता है, तो वो क्या हो गया आभासी फल हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब हाँ, सत्य फल कौन हो गया, सत्य फल वो हो गया जो कि केवल केवल अंडाशय से। चलो नेक्स्ट देखते हैं अनुवंशिकी में, तुमको अनुवंशिकी में क्या क्या पढ़ना है, अनुवंशिकी में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो अनुवंशिकी में अगर देखा जाए तुमको जो है मेंडल के जो नियम है, कितने नियम थे, 3 नियम थे, कौन कौन, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और कौन था स्वतंत्र अभिमुख का नियम। ये तीनों के 3 जो नियम है वो देख के जाना है, कौन कौन नियम है। एक है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, दूसरा हो गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और एक नियम और कौन सा है, पृथक्करण का नियम। तो ये तीनों नियम है, इसको जो है बढ़िया से देख के जाना है, पृथक्करण का नियम। इसमें से अगर देखा जाए तो जो पहला और थर्ड वाला है ये एक संकर क्रॉस पे है, और जो दूसरा वाला है ये किस पर है, ये द्विसंकर क्रॉस पर है, ये एक संकर क्रॉस पर है और ये द्विसंकर क्रॉस पर है। ये क्या कहता है कि जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, और उसकी इकाई क्या कहलाती है, एलील कहलाती है, और जब भी विषम युग्मजी अवस्था होता है तो एक एलील प्रभावी होता है और एक एलील अप्रभावी होता है, इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। वैसे ही सेकंड आ गया तुम्हारा पृथक्करण का नियम, या इसी को मेंडल का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इसमें क्या कहता है, जब भी युग्मक निर्माण होता है तो दोनों जो युग्मक हैं, दोनों जो एलील हैं जीन के, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। सेकंड हो गया स्वतंत्र नियम, ये बोलता है कि जब भी कोई जीन एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाता है, दूसरे जीन पर निर्भर नहीं करता है, इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं इसको, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुमको देख के जाना है क्या क्या, सहप्रभाविता, सहप्रभाविता, ठीक है ना, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, उसके अलावा बहु एलीलता, बहु एलीलता, और सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बहु एलीलता और सहलग्नता। ये चारों टॉपिक को देखकर जाना
है। सप्रभाजन मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर दोनों में से दोनों का लक्षण दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, सप्रभाविता बोलते हैं। अगर दोनों में से खाली एक दिख रहा है, मतलब दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रभाविता। और अगर किसी एक जीन के दो से ज्यादा एलील प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सहलग्न, उसको बोलते हैं बहुएलीलता। और अगर दोनों जीन साथ में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सहलनता बोलते हैं। इसके अलावा तुमको क्या देखे जाना है, अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार कौन कौन से होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है मेंडेलियन विकार और एक होता है गुणसूत्रीय विकार। उसमें कौन कौन आ गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, उसके अलावा तुमको फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये सब याद करके जाना। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम, सभी तुमको याद करके जाना है। तो ये हो गया इसमें, मतलब कि जो तुम्हारा सेकेंड चैप्टर था इसमें, मतलब फिफ्थ में जो चैप्टर था जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसमें अगर बात की जाए जेनेटिक्स का सेकेंड चैप्टर, उसमें तुमको डीएनए का जो वाटसन और क्रिक मॉडल है, कौन सा मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, या डीएनए का वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक मॉडल देखकर जाना है। इसके अलावा डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है ये साबित करने के लिए दो प्रयोग किए गए थे, एक प्रयोग किया था ग्रिफिथ महोदय ने और एक किया था किन्होंने, हर्षी और चीज महोदय ने। तो इन दोनों के प्रयोग को पढ़ के जाना है, हर्षी एवं चीज के प्रयोग और ग्रिफिथ के प्रयोग। इसके अलावा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है वो तुमको याद करके जाना है। इसके अलावा अनुवांशिक कूट क्या होता है वो पूरा पढ़ के जाना है, मानोजीनोम प्रिज्म पढ़ के जाना है। लैक ब्रॉन चाहो तो छोड़ सकते हैं, आने का चांस कम है लेकिन फिर भी आ सकता है, तो एक बार वही देख लेना है ना। बाकी मानोजीनोम प्रयोजना, उसके अलावा तुमको डीएनए का आरएनए के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, तुमको वो पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा इस टाइप तुमको और क्या देखना है, तुमको और देखना है इसमें डीएनए का जो द्विगुणन होता है उसमें लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, वो सब भी बढ़िया से देख कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में तुमको समजात अंग, असमजात अंग रटा हुआ होना चाहिए, जिन अंगों की संरचना समान होता है, कार्य अलग अलग, उनको समजात, उनको बोलते हैं समजात अंग, और जिनका कार्य समान होता है, संरचना अलग, उनको बोलते हैं असमजात अंग। ये तुमको दोनों दोनों याद करके जाना है, एग्जाम में आएगा। उसके अलावा डार्विनवाद, लमार्कवाद, म्यूटेशन थ्योरी, तीनों को तीनों पढ़ के जाना है, डार्विन का सिद्धांत, लमार्क का सिद्धांत और ह्यूगो डी ब्रिज का सिद्धांत, ये तीनों को पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो है भ्रूण विज्ञान के आधार पर संबंधित जो साक्ष्य हैं, कैसे साबित होता है कि सबका भ्रूण समान है, वो भी एक बार देख लेना अच्छा रहेगा। और सबसे इंपोर्टेंट मानव का उत्पत्ति एवं विकास, ड्रायोपाइथिकस, रामापाइथिकस, ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस, अफ्रीकन से लेकर होमो सेपियंस तक जो है वो भी तुमको देख कर जाना है, ठीक है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का, इसे बात कर लेते हैं अब मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यहाँ पर तुमको जो है कुछ बीमारी के बारे में पढ़ के जाना है, कौन सी बीमारी है वो, मलेरिया हो गया, कौन हो गया, मलेरिया, ठीक। उसके अलावा तुमको मलेरिया, टाइफाइड, अमीबिया पेचिस, कैंसर, एड्स, हाथी पांव, ये उसी को बोलते हैं फाइलेरिया, और तुमको रेबीज, ठीक है ना, और तुमको एस्केरियसिस, ये सब बीमारी जो है पड़ जाना है। इसके अलावा इम्यूनिटी का दो प्रकार होता है, एक होता है इननेट इम्यूनिटी, होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो तुमको देख कर जाना है, ठीक। इननेट इम्यूनिटी के चार प्रकार होते हैं, वो तुमको पढ़ के जाना है। इसके अलावा टीकाकरण, टीका, प्रतिरक्षीकरण, ठीक है ना, एलर्जी और ड्रग एवं अल्कोहल, ये सब भी बढ़िया से देख कर जाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वो वाला चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसमें तो देख के जाना है कि कैसे वाहित मल जल का उपचार होता है, दो चरण होता है, एक होता है प्राथमिक उपचार, एक होता है द्वितीयक उपचार, तो भी तुमको देखे जाना है कैसे कैसे होता है। इसके अलावा मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका, इसमें तुमको पांच लाइन देख लेना कि मानव कैसे कैसे सूक्ष्म जीव का प्रयोग करता है, बस ये दो क्वेश्चन देख लेना इस चैप्टर में से। एक हो गया बाहित मल जल का उपचार कैसे होता है, एक हो गया मानव कैसे सूक्ष्म जीव का प्रयोग करता है दही बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, दवाई बनाने में, सब जगह यूज है, वो देख लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है फसल का उत्पादन वाला, उसमें देख लेना है डेयरी उत्पादन कुछ नहीं है, डेयरी फार्म, कुक्कुट फार्म, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, वो सब उत्तक संवर्धन उसी में दिया हुआ है, वो भी देख लेना। उसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी, उसमें को पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम, ये सब देख कर जाना है। इसके अलावा जो है
इसका प्रयोग में जब आता है तो उसमें आता है बीटी कपास, जीन थेरेपी, आणविक निदान, ये सब भी देख, जो टॉपिक बोल रहे हैं उसको जरूर से देख के जाना, इसी में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, आने का चांस रहेगा। आणविक निदान हो गया उस चैप्टर में से, बीटी 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 फसल हो गया, ट्रांसजेनिक जो जंतु होते हैं परजीवी जंतु वो हो गया, वो सब देख के जाना है, एग्जाम में आएगा। उसके अलावा और जब इकोलॉजी में तुमको क्या क्या देख के जाना है, सबसे इंपोर्टेंट है अनुकूलता, अनुकूलता देखे जाना, अनुकूलता किसे कहते हैं, उससे क्या क्या उदाहरण होता है। इसके अलावा पारितंत्र के बारे में देख के जाना है, इसके अलावा जो है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है ना, ओजोन परत का क्षय, उसके बाद जो है तुमको अम्लीय वर्षा, ये सब भी देख के जाना है। उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट जैव प्रौद्योगिकी के ह्रास के चार जो कारण होते हैं, आवास एवं आवास की क्षति, उसके आवास एवं खंडन मतलब आवास की क्षति, सेकंड हो गया तुमको बाहरी जीवों का आक्रमण, थर्ड हो गया अति दोहन, और फोर्थ हो गया सह विलुप्तता, इन चारों को पढ़ के जाना है, लॉन्ग आंसर में ये आ सकता है। उसके अलावा एक तालाब का जो पारितंत्र होता है उसको पढ़ के जाना, एग्जाम में ऐसा तालाब कैसे पारितंत्र है उसके बारे में भी पढ़ के जाना है। उसके बाद इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थाने बायस्थाने कैसे किया जाता है वो सब पढ़ जाना, कि अगर स्वस्थाने कौन है बायस्थाने कौन है। स्वस्थाने में ही आ गया हॉटस्पॉट पवित्र उपवन, वो सभी पढ़ जाना है, हॉटस्पॉट कितने होते हैं ये सब भी पढ़ के जाना है। ठीक है बस इतना ही क्वेश्चन बढ़िया से देख के जाना है, और आशा है क्वेश्चन इसी में से रहेगा, जो पढ़े हो उसको लेके जाओ, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, देख लेना कम से कम एग्जाम के पहले, तुम्हारा एग्जाम जो है अच्छा जाएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई डाउट लग रहा है तो पूछना है, किसी को डाउट लग रहा है अगर तो, किसी को कोई डाउट लग रहा है तो पूछो, किसी को कोई डाउट लग रहा है तो। इंग्लिश में कल बता चुके हैं बाबू, इंग्लिश में तुम जाकर देख लो ना, इंग्लिश वाला कल हो चुका है, इंग्लिश में जो है कल बता चुके हैं ना, ये सब जो बोल रहे हैं यही सब तुम्हारा लॉन्ग में भी आएगा, जो बोले हैं ना, नो प्रॉब्लम सर, सब ओके, हाँ यही चाहिए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कल फिर मिलेंगे एग्जाम के बाद, जो बोले हैं टॉपिक देखना इसमें से क्वेश्चन रहेगा, और ठीक है ना, बाकी तुमको अपने पे भी विश्वास रखना है, तुम जो पढ़े हो वही एग्जाम में आएगा ना, इतना एग्जाम दे दिए थे, एग्जाम और देना है, कौन बड़ी चीज़ है। ठीक है तो खत्म किया जाए, किसी को कुछ पूछना है, खत्म किया जाए ओके सर, आंसर ठीक है, हाँ डायोलॉजी में भी पढ़ के जाना, हाँ नोट्स पढ़ लेना, हाँ एक बार नोट्स पढ़ लेना, और एक बार 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, और थोड़ा सा अगर ज्यादा मन गया तो टेस्ट का क्वेश्चन जो हुआ था, एग्जाम हुआ था टेस्ट वाला, उसको एक बार सॉल्व कर लेना, है ना, कुछ नहीं तो 5 साल का क्वेश्चन देख लेना और नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, 5 साल का क्वेश्चन देख लेना और नोट्स पढ़ लेना, खत्म किया जाए, बाकी तुम जाओ अब पढ़ाई करो, अपना रिविजन करो, और साथ में अपना जो है जो अपना 5 साल का क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको एक बार कर लेना। ठीक है, हाँ अब कल मिलते हैं, ठीक है।